बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस को ओपन करते हैं और नीचे कमेंट में ये लिखकर चले जाते हैं कि बीएसएनएल का 4G कभी नहीं आएगा, बीएसएनएल का 4G 2070 में आएगा, 3070 में आएगा, 1000 साल बाद आएगा, ये सब कुछ अपना फालतू का कमेंट करके चले जाते हैं। ठीक है, आपको आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ठीक है, आप जो भी आपको लग रहा है वो आपके हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं, स्वतंत्र एक देश है, आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मिल नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं इसलिए आप कमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। ठीक है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं लोगों को पॉजिटिव नजरिया से देखना मुझे आता है। ठीक है, मेरे मेन चैनल पे इसीलिए 30,000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन आप उस कमेंट में ठीक है, वहां पर जितने भी कमेंट है ना उसको एक एक चेक कीजिए, वहां पे आपको दो चार कमेंट ऐसे मिल जाएगा जो लोग बता रहे हैं कि मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ और मुझे 4G मिल रहा है। हाँ, वो एक बार आप जरूर चेक कीजिए, उनसे बात कीजिए ना, उन लोगों से बात कीजिए, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर 4G नहीं है, अभी पूरे पैन इंडिया पे 40% एरिया ऐसा हो चुका है जहां पर बीएसएनएल का 4G मिल रहा है। और आज के वीडियो में भी मैं एक ऐसा एरिया का नाम बताने वाला हूँ जहां पर ऑलरेडी 4G मिल रहा है, काम खत्म हो चुका है वहां पर, शुरू नहीं होगा। मैं बहुत सारे वीडियो में बताता हूँ ना, जो न्यूज आता है वही तो बताता हूँ कि हाँ शुरू होगा, यहाँ पे काम होगा, यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, लोग बीएसएनएल 4G का मजा ले रहे हैं। रामपुर, यस, उत्तर प्रदेश के रामपुर की मैं बात कर रहा हूँ। रामपुर में बीएसएनएल का 4G का जोरों शोरों से काम चल रहा था, बहुत सारे 3G टावर्स को 4G में कन्वर्ट कर दिया गया है, 4G न्यू टावर इंस्टॉल किया गया है, और इस ये जो टावर है ना यहाँ पे 2G 3G 4G तीनों कनेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास कीपैड वाला 2G सिम है तो आपको 2G यूज करेंगे, आप 3G भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2G 3G सिम है तो आप जरूर 4G में उसको अपग्रेड कर लीजिए, आपके जो नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस है वहां पे जाइए। ठीक है, और 4G में अपग्रेड कर लीजिए और 4G का मजा लीजिए। रामपुर में बीएसएनएल का 4G मिल रहा है, अगर आप गूगल में और यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में दो चार वीडियो भी मिल जाएगा, और गूगल में आपको पिछले हफ्ते का बहुत सारे फुटेज मिल जाएगा जहां पर आपको बताया जाएगा कि बीएसएनएल का 4G जो है रामपुर में आ चुका है। अगर आप रामपुर से बिलोंग करते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको 4G स्पीड कैसा मिल रहा है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो आप रामपुर से अगर बिलोंग करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और जो लोग बहुत दिन से इंतजार कर करके नेगेटिविटी फैला रहे हैं ठीक है, उनको मैं बता रहा हूँ थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। ठीक है, इस साल के अंत तक ही मतलब दिसंबर के इस महीने के अंदर ही आपको बहुत सारे एरिया का नाम आपको सुनने को आएगा जहां पर 4G मिल जाएगा, लोग बताएगा। ठीक है, लोग खुद आके बताएगा, और जून 2024 के लास्ट तक आपको बहुत सारे जगह के अंदर बीएसएनएल का 4G मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ बहुत लेट हुआ, डिले हुआ, लेकिन अभी मिलेगा। ठीक है, और मिल रहा है, 40% एरिया के अंदर मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह का मैं अपडेट देता रहता हूँ, जहां पर भी 4G आता है उसके बारे में अपडेट देता हूँ, बीएसएनएल के बारे में कुछ भी अगर अपडेट आता है तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए, हर इवनिंग के 8:30 बजे मैं आप लोगों के लिए बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट लेकर आ जाता हूँ, जो कि आपको दूसरे किसी चैनल पर शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, और मिलेगा भी तो सबसे पहले मेरे चैनल पर मिलेगा, उसके बाद दूसरे चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।